आज़ादी के दौरान भारत में 565 रियासतें और 17 प्रांत थे जिनको मिला के ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। कहानियां फैलाई गई कि कैसे ब्रिटिश ऑफिसर्स बड़े सच्चे और ईमानदार थे, लेकिन भारतीयों के अंदर ये क्वालिटी थी ही नहीं। बाहर से आए कुछ चाहने वालों ने ये भविष्यवाणी पहले से ही कर दी थी कि एक दिन पाकिस्तान खुद को धर्म के नाम पर गुंडागर्दी से और नरसंहार से तहस नहस कर देगा और भारत भयंकर भ्रष्टाचार से बिखर जाएगा। वेल, उनके द्वारा कही गई कुछ बातें आज सीमा के उस तरफ नज़र आ रही हैं। इतिहास बताता है, यूरोप से मुस्लिम ताकतों के आने से पहले भारतवर्ष को जम्बूद्वीप कहा जाता था, मतलब एक महान द्वीप यानी कि ग्रेट आइलैंड। आज़ादी के बाद नेहरू पीरियड में कुछ खास प्रॉमिसेस करे गए जिसमें नए भारत की नींव रखी गई शांति, प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी, लिबर्टी और इक्वालिटी के ऊपर, जिसने इतिहासकारों को एक बड़ी वजह दे दी हमारे इतिहास को दोबारा लिखने के लिए। 70 सालों बाद आज हम इस फैक्ट से तो अवेयर हैं कि कौन लुटेरे थे, कौन बलात्कारी थे और कौन एक्सप्लॉयटर्स थे। हम जानते हैं कि हजारों सालों तक हमने गुलामों की जिंदगी व्यतीत करी। अकबर ने भारत पर सक्सेसफुली राज करा यह तो बताया, लेकिन किसी ने भी 50 सालों तक कहीं पर भी यह नहीं बताया कि यह मुगल हजारों सालों तक हमें अपना नौकर बनाकर रखे हुए थे। शाहजहां, जिसकी करेक्टरलेस पर्सनैलिटी थी, जो मुश्किल से राजपाट चला सकता था, उसको इतना ग्लोरीफाइड करके दिखाया गया। जिंदा फकीर से मशहूर औरंगजेब को भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन उस महान बेवकूफ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया जो उसके दादा और परदादा बना कर गए थे। इस पर किसी ने भी कभी टिप्पणी नहीं करी। 70 सालों से हमारे दिमाग के साथ ऐसा खेला जा रहा है कि जहां चिल्ला चिल्ला कर बताया जाता है कि कैसे हमारे हिंदू राजा एक दूसरे पर विवाद फैलाने में लगे हुए थे कुछ बेवकूफ़ी भरे इश्यूज की वजह से, जिसके कारण वो कभी एक नहीं हो पाए। तो भैया, फिर क्यों हम सब भारतीय इंडियन न्यू ईयर को एक ही दिन सेलिब्रेट करा करते थे अगर हम सब इतने ही भिन्न थे, अगर हमारी भाषाएं, रहन सहन, खाना पीना इतना ही अलग था, तो फिर क्यों हम सब ब्रह्मा, विष्णु और शिव के आगे अपना सर झुकाते हैं। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। क्या आप सब जानते हैं कि दिल्ली का एक फल बेचने वाला था जो आगे जाके एक राजा बना था। छोटी जाति में पैदा हुआ एक दुबला पतला लेकिन बड़ा तेज और जल्दी से चीज़ों को सीखने वाले इस व्यक्ति में राजा बनने के सारे गुण थे। हेमू एक बड़ा बहादुर राजा था जो बैराम खान से एक युद्ध में हारा था, जब एक तीर एक्सीडेंटली उसकी आंख को भेद देता है। मुगल इतिहासकारों ने इस महान इंसान को अपशब्द कहकर डिस्क्राइब करा, तो वहीं हमारे इंडियन इतिहासकारों ने तो बस एक रेफरेंस के तौर पर इसको दिखाया है। झलकारी देवी लोअर कास्ट में पैदा हुई, लेकिन उनके डेडिकेशन, स्ट्रेंथ और स्मार्टनेस की वजह से रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें अपनी विमेन आर्मी का जनरल बनाया था। वो झलकारी देवी थी जिनको अंग्रेज़ों ने रानी लक्ष्मीबाई समझकर गोली मारी थी जब वो रानी लक्ष्मी के बेटे को पीठ पर बांधकर घोड़े पर जा रही थी, जो कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें एक शूद्र क्षत्रिय की भूमिका निभाता है। इवन ब्रिटिश हिस्टोरिकल बुक्स में झलकारी देवी को काफ़ी ग्लोरीफाई करा, लेकिन हमारी हिस्ट्री बुक्स उन्हें वो दर्जा देना भूल गई या जानबूझकर उन्हें नहीं दिया गया। दुनिया तैमूर लैंग के नाम से काफ़ी फैमिलियर है, लेकिन क्या कोई जानता है कि इस दैत्य को हराने वाली रामप्यारी गुर्जर थी जिनको 40,000 विमेन फोर्स का रेजिमेंट बनाया गया था। इतिहास हमें यह तो बताता है कि कैसे इस जल्लाद ने हजारों लाखों की संख्या में हिंदुओं का नरसंहार किया था, औरतों की इज्जत लूटी थी, उनका रेप किया था, लेकिन कोई ये बात नहीं बताता कि तैमूर को और उसकी फौज को लोहे के चने चबवाने में रामप्यारी गुर्जर की एक अहम भूमिका थी। बिना एक दूसरे की कास्ट की परवाह करे एक बड़ी हिंदू आर्मी ने तैमूर को मजबूर कर दिया दिल्ली से भागने में केवल कुछ बचे कुचे सैनिकों के साथ। कुछ सालों बाद तैमूर की मौत हो जाती है उन चोटों से जो उसे हिंदू आर्मी ने दी थी। तैमूर के इतिहासकार उसकी हिस्ट्री को बता रहे हैं, लेकिन हमारे इंडियन हिस्टोरियंस ने कभी कोशिश ही नहीं करी राम प्यारी गुर्जर की कहानी को आगे रखने की। भारत की कहानी हमेशा से वर्ल्ड में ग्लोरीफाई हुई है, लेकिन वजह हमेशा निगेटिव ही रही है।
फॉरेन फोर्सेस द्वारा अत्याचार, ऑपरेशन, विश्वासघात, लूट, और ये सिलसिला तब से चला आ रहा है जब अलेक्जेंडर ने पोरस को सिंधु नदी के घाट पर चैलेंज करा था, लेकिन इसको भी तोड़ मरोड़ कर बताया गया। वो पोरस थे जिन्होंने अलेक्जेंडर को धूल चटाई थी, और जैसा कि सारे फॉरेन इन्वेडर्स लुटेरे और चोर थे, उन्होंने भारत को अपना अड्डा बना लिया था। लेकिन कुछ हिंदू राजा भी थे जिन्होंने सीमा पार जाकर अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को बिल्डअप करा, लाइक अशोक और चोलास। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कहां से कंबोडिया में अंकोर के मंदिर बने होते। हमने विदेश में सताए गए लोगों को भी असाइलम दिया, लाइक ज़ोरोएस्ट्रियंस फ्रॉम ईरान, पोलैंड से क्रिश्चियंस, लेकिन नन ऑफ दिस मेंशन्ड इन आवर बुक्स। बात तो यह है कि सच्चा इतिहास बताता है कि हम भारतीय कभी कमज़ोर थे ही नहीं। हमारी इंडिजीनियस आइडियोलॉजीज पर हम शर्म नहीं कर सकते। हम उस भूमि के लोग हैं जहाँ के विचार और आइडियोलॉजी हमेशा बरकरार रही है। हम लोग हमेशा से टॉलरेंट और फॉरगिविंग रहे हैं, लेकिन समय आने पर हमने कई बड़े सेक्रीफाइसेस भी दिए हैं। हम उस संस्कृति से बिलोंग करते हैं जिसको अद्भुत सोच वाले व्यक्तियों ने बनाया है, बहादुर सैनिकों ने बनाया है, और महान राजाओं का खून मिलाकर भारत का निर्माण हुआ है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।